वेलकम स्टूडेंट, संस्कार कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? हम जो बात कर रहे थे वो स्टेम के बारे में अपन बात कर रहे थे, और स्टेम में अपन ने जो अभी तक बात की थी, हमने तीन प्रकार के स्टेम की बात की थी, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें अपन जो एरियल स्टेम के जितने भी टाइप है, एरियल स्टेम के जितने टाइप है, हम उनकी बात अभी तक कर चुके हैं। अब जो हमारे आगे जो अभी बचे हुए हैं वो हैं सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम। तो सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम की जो हम टाइप की बात करेंगे, वो जो स्टेम में जो मॉडिफिकेशन होंगे उनके साथ ही हम इनके इनके टाइप की जो बात है वहीं पर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, अपन एरियल की तो बात कर ही चुके हैं, एरियल के जितने प्रकार थे। अब अपने जो बचे हुए हैं वो सब एरियल और अपने जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो बचे हुए हैं, तो इनकी बात अपन मॉडिफिकेशन में कर लेंगे। तो आज हम इनके मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, और पहली हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं अर्धवायवीय तने की बात कर चुका हूं आपसे, तो अर्धवायवीय अगर हम तने की बात करें तो अर्धवायवीय तने कैसा होता है कि जो जमीन के बिल्कुल या तो बिल्कुल जमीन के पास होता है, थोड़ा जमीन के अंदर थोड़ा जमीन के बाहर, ऐसे तने के अपन अर्धवायवीय तने बोलते थे। तो इन तनों में कुछ रूपांतर हो जाते हैं, उन रूपांतर की हम बात करें तो पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो है ऊपरी भूस्तरी, जिसे अंग्रेजी में अपन बोलते हैं रडार। ठीक है, तो अर्धवायवीय तने के जो हम पहले रूपांतरण की बात कर रहे हैं वो है ऊपरी भूस्तरी, मतलब रडार। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं ऊपरी भूस्तरी तने की बात करूं तो ऊपरी भूस्तरी तने कौन से होते हैं कि ऐसे तने या फिर ऐसे पादप जो जमीन की, जैसे ये अपन अगर हम इसे अपन जमीन मान ले, तो जैसे कि मैं अगर पहले एग्जांपल की बात कर देता हूं, जैसे अपन ने घास, दूब घास अपन ने देखी है ना कि नहीं, दूब घास अपने सबने देखी होगी। तो अगर हम दूब घास की बात करें तो यहां क्या होता है कि ये जमीन की, ऐसे जमीन है, तो ऐसे जमीन की सतह पर वृद्धि करती है, बिसर की सतह पर। ठीक है, तो जमीन पर ऐसे तल रूप में ये यहां पर ऐसे गति करती है, और तो ये इसकी हो जाती है इंटर नोड, और ये होती है इसकी नोड। ठीक है, ये पर और ये पर्व संधियां। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जब तना जमीन की सतह पर गति करता है तो जो इसकी इंटरनोड है, जैसे ही इसकी इंटरनोड जमीन के संपर्क में आएगी, इसकी इंटरनोड जब जमीन के संपर्क में आती है तो जमीन में के संपर्क में आते ही ये एडवेंटिशियस रूट का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जैसे ही इसकी जो ये नोड है, जैसे ही इसकी नोड जमीन के संपर्क में आएगी, ऐसे ही एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ का निर्माण यहां पर कर लेगी। ठीक है, तो ऐसे तने जिनकी जो जमीन की सतह पर गति करते हैं और उनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है, और ऊपर की अगर हम दिशा में देखें तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, इसकी पत्तियां बन जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, ऊपरी भूस्तरी जनन की अपन बात कर रहे थे कि जब पादप जमीन की सतह पर गति करते हैं तो इनकी, जैसे ही इनकी नोड जमीन के संपर्क में आती है, तो नोड जमीन के संपर्क में आएगी तो वहां पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा, और ऊपर की जो वहां पे यहां से इनमें पत्तियों का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ऐसे जो अर्धवायवीय तनों में यहां पे क्या हो जाएगा, रूपांतरण। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि जब
तने लंबे होकर ठीक है, जब तने भूमि की सतह पर फैलकर और पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं, ऊपर की ओर पत्ती निकलती है, इसे इसे ऊपरी भोजधारी कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे दूकास और ऑक्सेलिस। ठीक है, तो मैंने क्या बात की यहाँ पे कि जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं, तने लंबे होंगे भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और इसकी पर्व संधियों से नोड से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, ऊपरी भोजधारी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दूकास और ऑक्सेलिस। तो पहली अपन ऊपरी भोजधारी की अपन बात कर चुके हैं, दूसरी बात करते हैं अपन सेकेंड बात करते हैं अपन भूस्तारी स्टेल स्टोलोम। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं अपन भूस्तारी स्टोलोम की। तो यहां पे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो तना है, तने का जो आधार भाग है, जैसे अपन यहां पर कोई भी तना बना देते हैं, ठीक है, तो जैसे ये तना है यहां पे, ठीक है, तो इस तने के यहां से आधार भाग से, इस तने के आधार भाग से एक चाप निकल, जो यहां आधार भाग से जो तना है, तने का जो जस्ट आधार वाला भाग है, यहां से चाप निकलता है और जैसे ही ये चाप जो तना है, तना ही गति करता है यहां से, तो एक चाप के आकार में, एक चाप के आकार में गति करता है। तो जैसे चाप के आकार में गति करेगा तो यहां पर जैसे ही ये जमीन के टच में होगा, तो जैसे ही ये जमीन के टच में होता है यहां पर क्या बना लेता है, बोई अगर तने से निकल रही तो ये भी क्या होगी, बोई अपस्तानी जड़ होगी। तो जैसे ही ये तना जमीन के संपर्क में आता है तो ये क्या बना लेता है, अपस्तानिक जड़। और अपस्तानिक जड़ बनाने के बाद में इसके ऊपर क्या होगा भाई, इसके ऊपर बोई नए प्ररोह का निर्माण हो जाएगा यहां पे, चित्र आप देख लेना कुछ ऐसा जैसे आप आपको उचित लगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहां से आगे फिर यहां पे भी एक नया प्ररोह बन जाएगा और जैसे ही यहां पे अनेक पादप बन जाएंगे तो बीच से इनका कनेक्शन जो भी है ये कनेक्शन टूट जाएगा और ये सेपरेट प्लांट सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेपरेट प्लांट हो जाएंगे। तो अपन ने भूस्तारी का स्टोलोन की बात की है तो यहां पर क्या होता है कि इसमें इसमें तने के आधार भाग से क्या निकलता है, एक चाप निकलता है और जैसे ही ये जमीन के संपर्क में आएगा तो जमीन के संपर्क में आने से इसमें क्या बनेगा, अपस्थानिक जड़ का निर्माण होगा और अपस्थानिक जड़ का नीचे निर्माण होगा, ऊपर क्या बन जाएगा, प्ररोह बन जाएगा और प्ररोह के द्वारा नए पादप का निर्माण होगा और ये बीज से क्या होगा, इनका इनका कनेक्शन टूट जाएगा और जैसे इनका कनेक्शन खत्म हो गया सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेपरेट प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी अगर लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें तने के आधार भाग से इसमें तने के आधार भाग से
शाखाएं निकल गई हैं। इसमें तने के आधार भाग से शाखाएं निकलती हैं, जो एक चाप के रूप में तथा अंत में भूमि को छूकर ठीक है। तो अपन ने क्या बात की है कि इसमें तने के आधार भाग से क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं, जो एक चाप के रूप में आगे बढ़ती हैं, ऐसे चाप के रूप में आगे बढ़ती हैं और अंत में भूमि को छूकर क्या बनेगी, नए पत्रों का निर्माण करेंगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे चमेली, जिसे अपन बोलते हैं जास्मीन, स्ट्रॉबेरी और पेपरमेंट। ठीक है, तो अपन ने भूस्तारे की बात की थी, वो भूस्तारे क्या हो जाएगा, इसमें तने के आधार भाग से शाखाएं निकलती है जो चाप के रूप में आगे बढ़ती है तथा अंत में भूमि को छूकर क्या बनाएंगी भाई, नया पर्रो बनाएंगी। ठीक है, तो दो प्रकार की बात कर चुके हैं अपन, एक तो अपन ऊपरी भूस्तारे की बात कर चुके हैं, दूसरे अपन कौन की बात कर चुके हैं, भूस्तार की। ठीक है, तो अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम अंतर्भूस्तारी की। ठीक है, तो अंतर्भूस्तारे में क्या होता है कि इसमें जो तना होता है, इसमें तना थोड़ा सा भूमिगत होता है यहां पे। ठीक है, इसमें तना क्या होता है, भूमिगत होता है और भूमिगत तने की जो नोड होगी, भूमिगत तने की नोड से ऐसे ब्रांच निकलेगी। ठीक है, और भूमिगत तने की क्या है भाई, भूमिगत तने की नोड से एक ब्रांच निकलेगी और ये ब्रांच जब जमीन से बाहर निकलेगी तो जमीन से बाहर निकलने वाली जगह पर यहां पर अपस्थानिक जड़ों का क्या कर लेगी, निर्माण। और ऊपर निकलते ही, जैसे ही यहां पर ऊपर निकलेगी तो यहां पर नए सूट का क्या कर देगी, यहां पर निर्माण करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये इसमें तना क्या होता है, भूमिगत होता है और भूमिगत तने की जो नोड है, भूमिगत तने की नोड से एक शाखा निकलेगी और ये शाखा जब जमीन से बाहर निकलेगी, जब तक जमीन के अंदर रहेगी, जब तक कोई अन्यापचर का निर्माण निकलेगी, लेकिन जैसे ही जड़ से जमीन से बाहर निकलेगी तो जमीन से बाहर निकलते ही यहां पर क्या करेगी, एडवेंटिशियस रूट का निर्माण करेगी और ऊपर क्या करेगी भाई, यहां पर ठीक है ऐसे, तो यहां पे क्या करेगी, यहां पे ऊपर पर रो का निर्माण करेगी और इसमें जो भी पत्ते वगैरह जो भी है वो यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात, इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है परंतु शाखाएं पर्व संधि से उत्पन्न होकर भूमि से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इसमें शाखाएं, जो शाखाएं, वो जो इनका जो मेन स्टेम है,
मुख जो तना है उसके आधा उसकी पर्व संधि से शाखा निकलेगी, जमीन के अंदर होता है परंतु शाखाएं कहां से निकल गई, पर्व संधि से उत्पन्न होकर भूमि से क्या निकल गई भाई बाहर, जैसे ही भूमि से बाहर निकलेगी नई क्या करेगी पादप का निर्माण करेगी, यहां से इसका अगर ये हट जाएगा तो ये सेपरेट क्या बन जाएगा अलग पादप बन जाएगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसा कहां पर होता है, तो इसका एग्जाम्पल है पुदीना, जिसे अपन बोलते हैं मिंट, और अगला एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे पुदीना और गुलदाउदी, ये पुष्प पादप है। ठीक है, तो अपन तीन प्रकार की बात कर चुके हैं, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतर्भूस्तारी, और अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला जो हमारा है इसमें सबियरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन में अगले की बात करें हम ऑफसेट। अच्छा ठीक है, अपन ऑफसेट की बात करें तो ये क्या होता है, मैं बात करूं अगर सामान्यतः यह सामान्यतः तैरते हुए जलीय पादपों में पाया जाता है, जलीय पादपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य से पहले तो कैसे पादपों में सामान्य से तैरते हुए जो मूविंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें पाया जाएगा, तो सामान्य से तैरते हुए जलीय पादपों में पाया जाता है तथा इनका तना छोटा भंजनशील होता है, छोटा और भंजनशील होता है तथा इनके पर्व जो इंटरनोड, इनके पर्व मोटे व छोटे होते हैं, मोटे व छोटे होते हैं। देखिएगा इनमें क्या होता है कि जैसे मैं यहां पे बात करूं कि जैसे ये जल की सतह है, जैसे ये जल की सतह है, तो यहां पे क्या होता है कि जलीय पादप है, ठीक है, तो यहां से क्या है, यहां से एक पहली चीज है तैरते हुए रहे और तना कैसा होता है इनका छोटा, तो पहली चीज है तना कैसा होता है छोटा, दूसरी चीज है भंजनशील मतलब जल्दी टूटने वाला है, तीसरी बात है इनके पर्व मोटे और छोटे, तो इनका तना कैसा होता है मोटा और छोटे, तो जैसे ही इनका तना यहां पे, तो यहां पे एक नए पादप का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इनकी गति आगे, फिर ये तना आगे जाएगा, तो यहां पर भी इसकी फिर अपनी एक नए पादप का निर्माण करेगा। ठीक है, तो फिर क्या है कि जो इनकी जो तना है वो भंजनशील है, भंजनशील का मतलब ये जल्दी टूट जाएगा, जैसे ही जल्दी टूटेगा यहां पर क्या होगा सेपरेट नए पादपों का क्या हो जाएगा यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो भूस्तार काम क्या है कि ये सामान्यतः कैसे पादपों में जलीय पादपों में पाया जाता है, इनका जो तना है वो कैसा होता है छोटा है मोटा, बहुत पास पास हो जाते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं जलकुंभी, आइकॉर्निया। ठीक है,
आइकोर्निया की अगर मैं बात करूं तो इसे हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं जिसका नाम है जिस मतलब दूसरा नाम क्या इसे टेरा ऑफ बंगाल भी बोलते हैं अपन। टेरा ऑफ बंगाल क्यों? टेरा ऑफ बंगाल क्यों है? देखिए ये वैसे अगर देखे तो एक छोटा सा बहुत अच्छा पादप है, लेकिन इसकी जो विभाजन करने की जो क्षमता है, इसकी जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि ये थोड़े दिन में ही पूरी अगर जितना भी जल है उसके पूरे सरफेस को कवर कर लेता है। तो पहले ये कम था, लेकिन इस ये क्या है कि जैसे ही पूरे सरफेस को कवर करेगा तो इसमें से कुछ पादप मरेंगे, तो जैसे ही पादप मरेंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए जो भी जीवाणु क्या है कि जल में से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, तो अगर जल की ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे तो जल की ऑक्सीजन की वजह से जो पादप में जो जो समुद्र है तालाब है तालाब में जो मछली वगैरह है कोई भी जलीय जीव है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ बंगाल में हुआ है, ठीक है। तो वहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में हो गया और इसका एक और है कि इसकी ये जल को भी अवशोषित करती है तो पूरे तालाब के तालाब को क्या कर देती है सुखा भी देती है। तो इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो अपन ने हुस्तार का एक बात किया और एक सेकंड एग्जाम्पल और इसका इस्टिया, ठीक है। तो अब तक हम अर्थवाइडिय जो रूपांतरण है उनमें चार प्रकार की बात कर चुके हैं। ये है अपना भूस्तर का। भूस्तर का क्या है? सामान्यतः तैरते हुए जलीय पादपों में पाया जाता है तथा इनका तना कैसा होता है? छोटा है, बंधनशील मतलब जल्दी टूट जाता है, और इनकी जो इंटरनोड है जो बीच की जो ये इंटरनोड है ये इंटरनोड मोटी वे कैसी होती है? छोटी होती है और जल्दी क्या हो जाती है भाई? टूट जाती है। टूटते ये बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी ग्रोथ कर लेता है, जितना भी जल है उसकी पूरी सरफेस को क्या कर लेता है यहाँ पे कवर कर लेता है। तो ये हो गया हमारे सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आज हमने अर्थवाइब्रेशनों के रूपांतरण की अपन बात कर चुके हैं। आज हम आगे हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन अंडरग्राउंड स्टेम और जो एरियल स्टेम है उनके मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें अर्थवाइब्रेशनों में अपन चार प्रकार के हमने पढ़े थे। अभी पहले पढ़े थे अपने रनर, दूसरा था अपना स्टोलोम, तीसरा था हमारा सकर, ठीक है। अब ऑफसेट यहां तक अपन बात कर चुके हैं, तो इसी प्रकार से अपने हमारी वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।